हाय फ्रेंड्स, मैं नाम सूर्य है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूँ केजीएफ स्टार यानी कि रॉकिंग स्टार यश के बारे में। न्यू इंडियन एक्सप्रेस में उनका एक अच्छा खासा आर्टिकल आ जाया। आज उनका बर्थडे भी है और कई सारे सवाल उस पर पूछे गए हैं आर्टिकल में, प्रॉपर एक इंटरव्यू है। और सबसे पहले ये पूछा गया है कि सक्सेस को किस तरह से देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि फेलियर्स के बाद ही सक्सेस आता है और मुझे पता है सक्सेस और फेलियर क्या होता है, वो मैं अच्छे से जानता हूँ। वहीं यश से पूछा गया कि आपकी अपकमिंग फिल्म के बारे में क्या है, उन्होंने कहा कि मैं बहुत ही जल्द बताऊंगा, अभी तक उन्होंने कुछ क्लियर नहीं कहा है। तीसरी बात, वो फिलहाल अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार रहे हैं और बहुत ही ज्यादा फोकस है। और केजीएफ के सक्सेस के बारे में ये भी उन्होंने कहा कि केजीएफ अगर जो लोगों ने पसंद किया है कि नया अलग अलग मार्केट्स खोला है वर्ल्ड ओवर, तो हमारी हमें से 10 गुना ज्यादा हमारे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कि केजीएफ 2 को हम उस लेवल तक पहुंचाए जो लेवल ने हमने सोचा था। और जहां तक कंटेंट जो फिल्म को पसंद किया है लोगों ने, उसके बारे में कहा कि फिल्म दो चीजों की वजह से बहुत अच्छी चली, तो कंटेंट इम्पोर्टेंट रहता है उसका, और दूसरा कनेक्ट यानी कि लोगों से कितना कनेक्ट कर पाती है फिल्म। और यहाँ पर एक और चीज कहा है कि जनता उनके साथ है और जनता एक साथ हुई तभी जाकर, कर्नाटक में एक साथ हुई और ऑल ओवर इंडिया भी एक साथ हुई तभी जाकर लोगों ने फिल्म देखी। और आई थिंक उन्हें सबसे ज्यादा प्राउड इस ये भी चीज के लिए है कि सबसे ज्यादा खुशी इसलिए भी हुई है पिछले पूरे 2-3 महीने में कि उनकी बेटी बॉर्न हुई है और इसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए हैं। और ओवरऑल आई थिंक बहुत खुश है फिलहाल लाइफ में एंड थिंग्स अच्छी चीज़ों को पॉजिटिव तरह से ले रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने ये भी बताया कि जब जब उनकी फिल्में आती थी प्रॉब्लम आता था, चाहे वो गूगली हो चाहे मिस्टर मिसेस सामाचारी हो, थिएटर्स वालों से शायद कुछ प्रॉब्लम होता था, लेकिन बाद में जो पब्लिक ने साथ दिया, जो फिल्म अच्छी चलती थी, तो उसे अपने आप वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, यानी कि फेलियर्स का एक सिलसिला रहा है ऐसा उन्होंने कहा है रॉकिंग स्टार यश ने। और फिलहाल खुशी की बात यह है कि बहुत ही ज्यादा फोकस है काम को लेकर और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो वक्त हो वो बहुत अच्छा रहे। और एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ, उन्होंने ये भी मैंशन किया है कि खासकर हिंदी सर्किट में कि दो बड़ी बड़े क्लैशेस, नाम नहीं लिया फिल्मों का, लेकिन दो बड़े क्लैशेस होने के बावजूद हमारी फिल्म ने अच्छा काम किया है, अच्छी कमाई की है, यानी कि यहाँ पे बात होती है जीरो और सिम्बा की। और सीधी सी बात है कलेक्शंस बढ़िया हुआ, दोनों फिल्म बड़ी बड़ी फिल्में थी, टक्कर अच्छी खासी हुई थी। आई थिंक यश बहुत ही खुश है अपनी पर्सनल लाइफ में और उनका ये इंटरव्यू उनके बर्थडे के दिन आया है, तो आप जरूर ई पेपर देख सकते हैं, नेट पर आया होगा न्यू इंडियन एक्सप्रेस का, मैंने वहीं पर पढ़ा है। और मैं बहुत खुश हूँ ये बताते हुए कि उनकी आने वाली फिल्म भी और खतरनाक हो सकती है और कमाल की होने वाली है। और वापस एक बार यही कहना चाहता हूँ कि हैप्पी बर्थडे टू यश द रॉकिंग स्टार ऑफ कनाडा सिनेमा, इंडियन सिनेमा। चलिए बाय।